हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है इस एसएस योर सेल्फ जो आप पढ़ रहे हैं 3.1, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन ए से लेकर के सी तक पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर डी, जो कि आपका जो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें से जो प्रॉपर्टी थी बच्चों, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक है आपका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान को भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 + 9 + 5 + 5 फोर टाइम्स है, और उसके बाद यहाँ दिया गया है 20, और आगे है उसको यहाँ पर 4 × 2, यहाँ पर आपको की करना है और इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उसमें यहाँ पर 5 + 5 + 5 फोर टाइम है, तो इसको जब ऐड किया गया तो 20 आ गया। 5 में 5 ऐड किया गया, 10 में 5 ऐड किया गया, 15 में 5 ऐड कर देंगे तो 20 आ गया। तो इसमें जो रिपीटेड एडिशन के रूप में ये लिखा गया है, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन चार्ट में हम करके लिखेंगे। यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लीकेशन चार्ट में आप लिखेंगे तो पता चलेगा कि आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है। जैसे देखिए 4 टाइम में आपका 5 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ 4 पहले से लिख दिया है, ठीक है, और किस नंबर का रिपीट हो रहा है 5 का, तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 × 20, ठीक। कभी कभी आपका 5 यहाँ भी देगा तो यहाँ आपको 4 भी करना होगा, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको समझ लेंगे कि रिपीटेड एडिशन आप पढ़े हैं, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक प्रकार का रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है। तो जिस नंबर को जितना टाइम रिपीट किया गया है एडिशन के रूप में, उतना का उसमें उसी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5 का रिपीट हुआ है 4 टाइम, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई, अगर 5 यहाँ चलेगा तो 4 यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है, आर्डर चेंज करके। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है आपका 6 × 5 = आपका लिखा है 30, फिर उसके आगे लिखा है आपका एंड, फिर यहां पर लिखा है 5 × 2, यहां पर आपको लिखा है 25। ध्यान देंगे, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसी से रिलेटेड यहां पर आपको ठीक करना है। देखिए लिखा गया है 6 × 5 इक्वल टू 30, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर पूरा फिक्स 30 आ रहा है। अब उसके बाद एंड आगे क्या एंड करके 5 × 5 नाम किसका मल्टीप्लाई करके 30 आ गया। तो आप देख रहे हैं 5 को क्या कर दिया है, 8 चेंज कर दिया है, ठीक है। कम्यूटेशन प्रॉपर्टी या आर्डर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में आपको बताया गया था 6 × 5 लिखिए या 5 × 6 लिखिए, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो सेम आता है। तो यहाँ पर 8 को चेंज कर देना है, 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में क्या बेटा है यहाँ पर 240 × 0। अब यहाँ पर आपको इसमें करने के लिए बात बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताया गया था मल्टीप्लीकेशन की जब प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी ही नंबर में यदि हम
जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। इसलिए यहाँ देख रहे हैं 240 है और इंटू जीरो, मतलब जीरो का मल्टीप्लाई हमको करना है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमारा जो जीरो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन में, उसके द्वारा ये जो है जीरो यहाँ पर फाइंड कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आपका लिखा है 171 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर चेंज करने की बात बना होता है, आपको मल्टीप्लीकेशन जब पढ़ाया जा रहा था द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन में यह दोनों प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, ये भी प्रॉपर्टी आर्डर प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ वन। जब वन का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका प्रोडक्ट आता है वो इससे वो नंबर ही आता है, मतलब जो आपका यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेट हो गया, ये मल्टीप्लीकेट जो होता है वही नंबर आता है। ठीक है, जब मल्टीप्लायर आपका वन रहेगा तो मल्टीप्लीकेट जो भी रहेगा वही आपका मल्टीप्लीकेट ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कार्य का मतलब यहाँ देखिए 171 जो है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेट है, और ये वन क्या है, मल्टीप्लायर है। ठीक है, जिसका जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर होते हैं, और जिसमें करते हैं मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लीकेट करते हैं। तो मल्टीप्लीकेट 171 है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 171 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप वन है मल्टीप्लाई में, ये आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हुआ, ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट प्राप्त करना है। यहां पर लिखा हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन 5 × 2 × 1, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 × 1, 5 × 2 = 1, और यहाँ पर 3 × 1 लिख दिया। ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर दिया, वन का मल्टीप्लाई अपने इंजेक्ट करके हम लोग देखेंगे। अभी आप मल्टीप्लाई में वन का मल्टीप्लाई करना देखे थे जो प्रॉपर्टी में था आपने। ठीक है, किसी भी नंबर में जब वन का मल्टीप्लाई होता है तो जो मल्टीप्लीकेट होता है वो आपका आंसर मतलब प्रोडक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, 10 × 1 = 10। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यहाँ लिखेंगे लिखा है आपका 9 × 0 8 × 5। ठीक है, प्रॉपर्टी आप जीरो आप देखे थे मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर में यदि जीरो का मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है बच्चों वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, कोष्टक में ये जो आपका ब्रैकेट में दिया गया है 9 × 0 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 × 5। ठीक है, फिर वही जो आपका जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए
ठीक है, या किसी नंबर से जीरो का बटन लाइक देंगे, आर्डर से आप कर देंगे तब भी आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरीके से जीरो प्रॉपर्टी का यूज यहाँ हुआ और प्रॉपर्टी वन का यहाँ पर यूज हुआ। जब किसी नंबर पर वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ वही नंबर आता है, और जब किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जीरो आता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फोर इंटू वन इंटू टू। इस तरीके से लिखा हुआ है, फोर इंटू वन इंटू टू। अभी आपको बताया जा रहा है कि वन का मल्टीप्लाई किसी नंबर में होगा तो सेम वही नंबर आता है, तो पहले स्टेप में आप 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब उसके बाद इंटू 2 करेंगे, यहाँ इंटू 2। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया, फिर इंटू का साइन लगा दिया, फिर उसके बाद तो यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट प्रोडक्ट आपका आएगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट 4 इंटू 2 क्या आता है, या तीन छोड़ करेंगे तीन आएगा एक, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4 and 0 इसका हमको मल्टीप्लाई करना बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, इंटू जीरो। अब इसमें आप ग्रुप बना सकते हैं, चाहे किसी का किसी के साथ बना सकते हैं, इसका इसका बना लीजिए या इसका इसका बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे पहले इसका इसका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर 5 इंटू पहले ब्रैकेट में जो है उसको हम साफ करेंगे 4 इंटू 0। अभी आपको पता लगेगा कि 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से होगा तो टोटल 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका, ये फाइनल रहेगा 5 इंटू 0 फिर 0 आ जाएगा। रूल वही आपका फॉलो हो रहा है, लेकिन 4 इंटू 0 तब भी 0, यहाँ 5 इंटू 0 तब भी यहाँ पर 0। ठीक है, आगे है आपका लिखा है जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 इंटू 5000। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 6 इंटू 5000। तो इसका हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, एक एक के पावर के रूप में इसको हम पहले कर लेंगे। अभी टेन का पावर आप देखेंगे कि टेन के पावर कितना नंबर है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको निकलते हैं हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, डिफरेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1000। हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, आप इससे पहले पढ़े
जाएगा कि ये दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसके बाद 10 के पावर में कितना जीरो होता है उसको आप इससे आगे बढ़ा देंगे। इसको जैसे यहाँ 6 आई है 30, 30 आ जाता है यहाँ 30 लिखते हैं, उसके बाद वन टू थ्री जीरो आप तुरंत बढ़ा देते हैं इसके आगे, तो एक ही स्टेप में समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले इसको 10 की पावर के रूप में इसको जोड़ा गया है, फिर उसके बाद आगे इसको बढ़ाया गया है। अब एक बच्चों क्वेश्चन नंबर ही आप कंप्लीट कर लेंगे, मल्टीप्लाई है ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक देखिए। ठीक है,
देखिए इस तरीके से आपको बताया गया था इसे 14 × 5 आ जाएगा 20 और उसके बाद 14 × 6 इक्वल कितना आएगा 84। तो आप देखते हैं कि जो सिलेक्टी है ठीक है ये आपका सिलेक्टी क्या है 72 से लेते 72 से लेते जबकि यहाँ पर 84 क्या है 84 क्या है ये 72 से मोर है ठीक है। इसलिए आपका जो एस्टिमेटिंग क्वोटेंट आएगा वो 5 आएगा क्या है ना 5 और रिमाइंडर आपका क्या आएगा 72 में से आप उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 72 माइनस 70 इस तरीके से देखिए 72 माइनस 70 जब करेंगे तो आप टाइम से लीजिएगा तो बनेगा एक रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम कहाँ पर करेंगे यहाँ और एक कोटे आपका ये कोटे बनेगा और रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर यहाँ पर उसको देख सकते इस तरीके से क्वेश्चन आपको आपको काम करना है ठीक है बेटा। अब इससे रिलेटेड आप जो है होमवर्क ले लेंगे बेटा ठीक है। इसके बाद यह बारे में आपका सिंपल डिवीजन है उसको आप करेंगे फील इंटरप्लेन वाला क्वेश्चन था उसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4
तीन क्वेश्चन है बच्चों आपको होमवर्क बुक में, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका जो है कंबाइंड चैप्टर है, एक साथ चलेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।